हेलो फ्रेंड्स, 1943 में जो उनका अगला मॉडिफिकेशन था और फाइनल मॉडिफिकेशन था मैकिंडर महाशय का, उसको हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, येनिसी रिवर, यूरेशिया का पॉलिटिकल मैप मेरे पास है। ये येनिसी रिवर आप देख रहे हैं। येनिसी रिवर के ईस्टर्न पार्ट को इन्होंने लीना लैंड का नाम दिया। ये देखिए, लीना रिवर यहाँ से बहती है रशिया के साइबेरिया में, और ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया था, कनेक्टिविटी यहाँ बहुत कम थी। तो इसको देखकर ग्रोथ पोटेंशियल इसका बहुत कम इन्होंने मानकर इस जो लीना लैंड जो रीजन है, इसको इन्होंने स्ट्रैटेजिक हार्टलैंड में से हटा दिया। तो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री येनिसी रिवर बन गई। आगे इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो मिडलैंड बेसिन का था, अभी बता रहा। अब देखिए दोस्तों, ये मिडलैंड बेसिन की इन्होंने एक कंसेप्ट दी। इन्होंने ये माना कि ये जो नॉर्थ अटलांटिक है, इसके आर पार के जो रीजन्स हैं, मतलब वेस्ट यूरोप और ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, इनमें स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ये एक जैसे हैं हर मामले में, इंडस्ट्रीज़ के मामले में, ग्रोथ पोटेंशियल के मामले में और सिविलाइजेशन के मामले में। तो अगर ये एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तो ये इनका जो पोटेंशियल होगा वारफेयर के लिए या किसी भी सामरिक दृष्टिकोण से, वो हार्टलैंड से या स्ट्रैटेजिक हार्टलैंड से कम बिल्कुल नहीं होगा। तो ये मिडलैंड बेसिन का इन्होंने कंसेप्ट दिया था, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कोल्ड वार में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया यूएस ने। जैसे इन्होंने सबसे पहले नाटो फॉर्म किया, और उधर यूएसएसआर के पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में भी ये था, वारसा पैक्ट में आप देख सकते हैं, वो हार्टलैंड पूरे को लेकर चल रहे थे। तो इस प्रकार ये पूरी थ्योरी ख़त्म हुई हार्टलैंड की, मैकेंडर जी की। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं इसको। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।